बूंदी विधानसभा श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी शर्मा साहब एवं मंच पर बिराजे हुए सभी न्यायाधीश गण, अभिभाषण परिषद के सचिव संजय कुमार जैन साहब, सह सचिव कविता कहार, उपाध्यक्ष भाई नारायण सिंह गौर, पुस्तकालय सचिव एवं पूरी कार्यकारिणी एवं सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं अधिवक्तागण सभी यहाँ पर पधारे हुए सभी अधिवक्तागण का हमने हृदय के गहन तल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में पारिवारिक न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी शर्मा हो रहा है, उस अवसर पर उनके सम्मान में यह आयोजन किया गया है और उसके साथ ही कोटा भारती संभाग के अंदर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थी उसके अंदर हमारे अभिभाषक गणों की टीमों ने भाग लिया और क्रिकेट में उप विजेता तक का पदक हासिल किया। संभाग स्तर में 18 टीमों ने भाग लिया था जिसके अंदर लगातार बूंदी अभिभाषक परिषद की टीम ने विजय प्राप्त की। आखिर में आकर जिस तरह 12 ताश खेले के मैच में भेड़ लग के वजह से टीम हारी, उसी तरह आखिर में जिस झालावाड़ को फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में पराजित किया था उसकी वजह उससे कुछ ही रनों से हारी, फिर भी हमें हमारी जो बाहर की टीमों ने जो प्रदर्शन किया उस पर हमें गर्व है, अभिमान है और उन सभी खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए उन सबका सम्मान आज इस मंच से भी किया जाएगा। इसके साथ साथ बैडमिंटन कैरम जो इंडोर खेल है वहां पर उसमें भी हमारे अधिवक्तागण एवं हमारी महिला अधिवक्तागणों ने भी भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया, वहां भी प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैं उन सभी को अभिभाषण परिषद बूंदी की ओर से सबको हार्दिक बधाई हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देवी का निर्माण भी किया है, आधुनिक युग को देखते हुए जिस तरह श्री ओम जी बिल्डर साहब ने आज कल रेलवे स्टेशन के उद्घाटन किया था उसी तरह हमने भी एक छोटा सा प्रयास हमारी ई लाइब्रेरी जो बनी हुई है माननीय हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब और जस साहब इनसे वर्चुअल उद्घाटन के लिए एक प्रयास यहां से किया है। हमारी बार का लाइब्रेरी का भी उद्घाटन यहां से किया जाएगा। एक साथ इतने सारे प्रोग्राम हमारे बार हॉल में नहीं हो सकते थे इसलिए ये आयोजन सभी का एक ही साथ यहाँ पर किया गया है। मैं आप सबका पूरे न्यायिक अधिकारीगण हमारे मुख्य अतिथि श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब एवं वहां पर सभी मौजूद सभी अधिवक्तागण
सभी मीडिया वाले और खासकर हमारे अधिवक्ता श्री दंगराठी प्रजापत जिनका ये गार्डन है मेरिज गार्डन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी खेल सप्ताह का आयोजन हमने यहाँ किया था और ये जगह उन्होंने सारी व्यवस्था उन्होंने मुक्त की थी, इसलिए अभिभाषण परिषद भूल भी आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक धन्यवाद करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेकर क्योंकि बहुत अभी हमारे सारे अतिथिगण कई वक्ता है अपने शब्दों को नहीं विराम देता हूँ। जय जय भारत। साईं का प्रवीण को आमंत्रित करता हूँ कि वो आवे और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को भूखे पेट करें। आपको सबको पहनाने मैं इस शहर के माध्यम से हमारे सभी मेहमान का इस्तेमाल करूंगा कि लेकिन नगमों में गुलिस्तां का निखार आते रहो, लेकिन नगमों में गुलिस्तां का निखार आते रहो, इस महफिल में सूरत फसले बाहर लाते रहो, इस महफिल में सूरत फसले बाहर लाते रहो। तुमसे है कायम हमारी महफिलों की आबरू, तुमसे है कायम हमारी महफिलों की आबरू, तुम हमारे महफिलों के बगा लाते रहो। मैं सभी का इस शहर वाले का इस्तेमाल करूंगा। मैं एक और शेर बात करूंगा कि हमने शाम संजय जी का आदेश है, दो शेर और सुना दूं। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी एक ज्वार हटके तो डूब जाओगे, जिंदगी एक ज्वार हटके तो डूब जाओगे, धार को देखकर तलवार बदलना सीखो। धीरे धीरे सही मगर राहत चलते रहिए। कमेंट्री लाजवाब थी और शेर व शायरी में आपको महारत हासिल है। अभी भाई साहब परिषद के रूप में परिषद में एक ओके बैठ करें। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय क्रम दो अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एडवोकेट कविता कहार को। न्यायाधीश का अभिनंदन करें। साईं का प्रवीण को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को भूखे पेट करें। आपको सबको पहनाने मैं इस शहर के माध्यम से हमारे सभी मेहमान का इस्तेमाल करूंगा कि लेकिन नगमों में गुलिस्तां का निखार आते रहो, लेकिन नगमों में गुलिस्तां का निखार आते रहो, इस महफिल में सूरत फसले बाहर लाते रहो, इस महफिल में सूरत फसले बाहर लाते रहो। तुमसे है कायम हमारी महफिलों की आबरू, तुमसे है कायम हमारी महफिलों की आबरू, तुम हमारे महफिलों के बगा लाते रहो। मैं सभी का इस शहर वाले का इस्तेमाल करूंगा। मैं एक और शेर बात करूंगा शाम
संजय जी का आदेश है, दो शेर और सुना दो। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी एक ज्वार है, तुम डूब जाओगे। जिंदगी एक ज्वार है, तुम डूब जाओगे। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। धीरे धीरे सही मगर राहत पर चलते रहिए। कॉमेंट्री लाजवाब थी और शेर व शायरी में आपको महारत हासिल है। अभी भाई परिषद के रूप में परिषद में एक ओके बैठ करें। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय क्रम दो अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एडवोकेट कविता कहार को। न्यायाधीश का अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हरवीर मोहन सिंह शर्मा साहब का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।